रेलवे स्टेशन पर भूतिया बारात का स्वागत। रात के 9:55 पर बाबू भैया और मुकेश चाय की दुकान पर चुस्की लेकर चाय पी रहे थे। भाई गर्मी हो सर्दी हो दिन हो रात हो, मेरा दिन तो चाय पीकर ही बढ़िया होता है और चाय पीकर ही अच्छी नींद आती है। चाय के बिना मेरी जिंदगी नहीं है। क्यों मुकेश बाबू? हाँ, बिल्कुल सही कहा। बाबू भैया आपने बिल्कुल सही कहा, बस चाय पीकर निकलेंगे अपने घर के लिए, ठीक है? अरे आप लोग इतने मजे से चाय मत पीजिए यार, वरना मजे लेने के लिए आप बचेंगे नहीं। मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, जल्दी यहाँ से हट जाइए, 2 मिनट हैं 10 बजने में। अगर 10 बज गए तो बहुत बुरा होगा, जान खतरे में आ जाएगी। अरे क्या भाई साहब, चाय तो अच्छे से पीने दीजिए, और ये कैसा मजाक है जिसे सुनकर डर भी नहीं लग रहा है। अरे बैठ जाइए, आप भी हमारे साथ गपशप कीजिए। अरे भाई मैं मरना नहीं चाहता, तुम लोगों को बैठना है तो बैठो, मैं तो चला, जब भूतिया बारात आएगी ना तो तुम्हारा अच्छे से बैंड बजा देगी। चाय वाला अपनी चाय की दुकान का शटर गिराकर लालटेन लिए जल्दी जल्दी वहां से चला जाता है। इतने में ही ढोलकपुर रेलवे स्टेशन पर 10 बजने का घंटा बजता है। दोनों आदमियों की नजर उस पर जाती है और वो चाय वाले की बात से घबरा जाते हैं। मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह ये बात करके गया है अब लग रहा है भूतिया बारात इस टाइम। हाँ तो भूतिया बारात तेरे से टाइम पूछ कर आएगी? क्या, मुझे तो लग रहा है वो मजाक करके गया है। चल छोड़, रेलवे स्टेशन पर घूमते हैं, 4-5 लोग तो हैं ही, ऐसा कुछ होता तो ये रेलवे स्टेशन सन्नाटे का होता। दरअसल रेलवे स्टेशन पर वो 4-5 लोग थे जिन्हें भूतिया बारात के बारे में पता नहीं था। इतने में ट्रेन से एक बारात उतरती है जो कि बैंड बाजे के साथ नाचते हुए आती है, और वो सब भूत और चुड़ैल थे जो धीरे धीरे बाबू भैया और मुकेश के सामने आ रहे थे। उन्हें देखकर उन दोनों की रूह कांप जाती है और वो बेंच के पीछे छुप जाते हैं। डर लग रहा है बाबू भैया, सच में ये तो सचमुच की भूतिया बारात है, पर ये जा कहां रही है? अरे जाकर तो खुद पूछ ले, मुझसे क्या पूछ रहा है, मेरी तो अब देखकर फट रही है इन लोगों से। अरे चल चल यहाँ से चलते हैं, ये चाय वाला सही बोल रहा था। अरे अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे दोनों दबे पांव डर कर जा रहे थे कि तभी भूतिया दूल्हा उन्हें देख लेता है। कौन है ये जिसने मुझे नहीं देखा? ए, पलटो। हमें कुछ मत कीजिए, हम तो यहाँ से बस जा रहे थे। चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हें हमारा स्वागत करना होगा। वैसे भी हम लड़कियों का शिकार करते हैं, ढोलकपुर के आदमियों का नहीं। स्वीटी चुड़ैल थाली दो इन्हें, और तू सुगले से फूल बरसा, हम पर भूतिया बारात का अच्छा स्वागत करना है। हे भगवान, आज तो साक्षात दर्शन कर लिया भूतिया बाराती के। ए गोचू, तुझको सुनाई नहीं दे रहा है क्या, मेरे भाई ने क्या बोला? चल पकड़िए थाली और हो जा शुरू। फिर दोनों आदमी भूत का तिलक और आरती करके उस पर फूल बरसाते हैं। ये करते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। इतने में वो लोग नाचते गाते हुए ढोलकपुर में बढ़ जाते हैं। भाई आज तो अमावस्या है, तो चलो हमारा स्वागत हो ही चुका है, अब दुल्हन को उठाने की बारी। बिल्कुल नाचो, बिल्कुल चलो, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, मैं तो नाचूंगा और खाऊंगा राजमा चावल ढेर सारा। भूतिया बारात की आवाज को सुनकर धीनू डंका बजाकर घर के बाहर सभी को चेतावनी दे देता है। सुनो सुनो, रात के पूरे 10 बज चुके हैं और भूतिया बारात रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और इस तरफ आ गई है। सभी बहन माताएं अपनी बेटियों को सुरक्षित अंदर रखें, धन्यवाद, आज अमावस्या की रात है, सब बच के रहना। ऐसे कहते कहते धीनू खुद भी अपने घर में चला जाता है। वहीं रितेश की बेटी उसके गले लगकर रो रही थी। माँ पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आज मेरी हल्दी हुई है और हम ये कैसे भूल गई कि आज अमावस्या भी है, कहीं वो भूतिया बारात यहाँ पहुँच गई तो, क्योंकि आसपास सिर्फ मेरी ही शादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। माँ पिताजी मैं मरना नहीं चाहती, मैं जानती हूँ ये कितना कष्टकारी है, वो भूत हमारे गाँव से कितनी लड़कियों को उठा कर ले जा चुका है, अब हम अपने साथ वो नहीं चाहती। तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, शांत हो जा, तू इस तखत के नीचे छुप जा, जा। हाँ बेटी। बेटी तखत के नीचे छुप जाती है। इतने में भूतिया बारात उनके घर के बाहर पहुंच जाती है। मैं जानता हूँ इस घर में शहनाइयाँ बज रही थी शादी की,
अब जल्दी से उस लड़की को बाहर भेजो, वरना मैं अंदर आ गया तो तुम लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। सुना नहीं मेरे भाई ने क्या बोला? अगर ना दरवाजा खोला तो तुझे पकड़कर बाहर लेकर आऊंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। बहन अंदर चल, दुल्हन को उठाकर मैं ले जाऊंगा। भूत और चुड़ैल नाचते गाते अंदर पहुंच जाते हैं। अरे मुंह तो बंद करो अंकल, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए और जिंदगी में आना सनम। आओ भाभी आओ, नकली भाभी मुझे यहाँ दिख नहीं रही। तुम लोगों ने उसे छुपा के कहाँ रखा है बता दो, वरना अपने नाखून को तुम्हारे गर्दन के आर पार कर दूंगी। तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, छोड़ दो मेरी बच्ची को, उसकी जिंदगी खराब मत करो। अच्छा बढ़िया, जब मेरी जिंदगी खराब हो रही थी तब तू कहाँ थी, तो मैं क्यों सुनूं? अच्छा तो ये यहाँ छुपी है। अरे छोड़ दो मेरी बच्ची को। चुड़ैल बाल पकड़ के उसे निकालती है, वो बहुत रोती है। फिर दूल्हा उसे घोड़े पर बिठाकर भूतिया बाराती के साथ गायब हो जाता है और उसे मार डालता है। ऐसे ही फिर अगले महीने अमावस्या आती है। रेलवे स्टेशन पर भूतिया बारात बैंड बाजे के साथ ढोलकपुर गांव में जाती है और फिर किसी शादी होने वाली लड़की को भूतिया दूल्हा उठाकर ले जाता है। ऐसा गांव में अक्सर बार बार होता है और न जाने कितने माँ बाप अपनी बेटियों को खो देते हैं। पर आखिर वो भूतिया बारात रेलवे स्टेशन से ही क्यों निकलकर गांव में आती है और क्यों वो बालिग लड़कियों को उठाकर अपने साथ ले जाती है और मार देती है? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये सब गांव में बहुत समय से चल रहा था। अब गांव के सारे लोग जिन बेटियों की शादी होने वाली थी वो मुखिया के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। मुखिया जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मैं नहीं, यहाँ और भी माएं हैं, बच्चों से दूर सिर्फ उनकी विदाई पर रोना चाहती है, ना कि उनकी अर्थी पर। आखिर वो भूतिया बारात कब तक हमारे गांव में आती रहेगी और लड़कियों को उठाती रहेगी? आपको कुछ करना चाहिए। हाँ मुखिया जी, अब आपको ही कुछ करना होगा। मैं जरूर करूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब मेरी भी छोटी बेटी बड़ी हो चुकी है, मैं खतरा नहीं मोल ले सकता। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मुखिया भी अपनी बेटी को लेकर चिंता में था। अभी अमावस्या नहीं आई है, उससे पहले मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ए, तुझे होश है? तुम उसे क्या बोल रही है? जानती है ना तेरी बहन ने क्या किया था, अब वो अंजाम मैं तेरा नहीं करना चाहता। शादी कर ले चुपचाप। मैं बस अपने व्योम से शादी करूंगी, सिर्फ और सिर्फ व्योम से, वरना गांव में जो आजकल सबकी बहन बेटियों के साथ हो रहा है वो आप मेरे साथ होता हुआ देखना। इसी बात पर मुखिया रूही पर हाथ उठाने वाला होता है, पर उसकी माँ उसे वहां से ले जाती है। कुछ दिन बाद फिर से अमावस्या आ जाती है। भूतिया बारात इस बार मुखिया के घर पर दस्तक देती है और उसकी बेटी को लेने आता है। मुखिया, अब देख तेरी इस बेटी की भी जिंदगी बर्बाद होगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों इस गांव की लड़कियों को उठाकर मार देते हो? सुनना चाहती है तो सुन, इसके पीछे तेरा यही बाप है और अब तुझे भी भुगतना पड़ेगा। कैसे? बात यह है कि मैं तेरी बड़ी बहन काव्या से बहुत प्यार करता था। गलती मेरी इतनी थी कि मैं नीची जात का निकला और तेरा बाप अपनी जात को महत्व देता गया कि वो ठाकुर है और मैं नीची जाति का, इसलिए वो हम दोनों का प्रेम विवाह नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी तेरी बहन ने इस मुखिया से दोबारा भीख मांगी। पिताजी, मेरी समीर से शादी कर दीजिए, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, मुझे जात पात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो पड़ता है, पूरे गांव में मेरी थूथू हो जाएगी, खानदान का नाम तो मिट्टी में मिला देगी। हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, इसलिए भूल जा, वरना इसकी सजा मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से दूंगा। पिताजी मैं मर जाऊंगी अगर आपने ऐसा किया, मेरी उससे शादी करवा दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा दोबारा मत कहना, तू मेरी लाड़ो रानी है, मैं तेरी शादी जरूर करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। अब काव्या ये सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन अमावस्या पर वो दोनों की शादी करने की सोचता है और लड़का ढोलकपुर रेलवे स्टेशन पर उतरता है, जहां मुखिया और उसके आदमी आरती की थाल लेकर उसका स्वागत करते हैं और दूसरे ही पल में उन सबको तलवार से मार दिया जाता है, जिसमें समीर भी मर जाता है। फिर उसे ट्रेन पटरी पर फेंक दिया जाता है। उस दिन तेरे बाप ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए अब मैं इस गांव में किसी की भी शादी नहीं होने देता, सब लड़कियों को उठाकर मार देता हूँ। जैसे मेरी काव्या मुझसे दूर हो गई, तुझे भी जाना होगा। नहीं मुझे मत मारो, मैं भी अपने प्यार से शादी करना चाहती हूँ। पिताजी
आपने अपनी एक बेटी को तो खो दिया है, दूसरी बेटी को भी खोना चाहते हैं तो बता दीजिए प्लीज, इन सब से माफी मांग लीजिए ताकि वह गांव वालों के साथ ये सब करना छोड़ दे। ठीक है, और वो तुम्हारे प्रेम विवाह के लिए भी राजी हो जाते हैं, साथ ही वो मुझसे भी माफी मांग लेंगे तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पिताजी मान जाइए, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मेरी एक बेटी मुझसे दूर हो गई है, अब ऐसा मत करो। मैं इस गांव में सबका प्रेम विवाह करवाऊंगा और जात पात पर विरोध भी नहीं करूंगा। अब मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, लेकिन फिर किसी के साथ जात पात या प्रेम विवाह पर नासाफी हुई तो हम वापस आएंगे और इस बार तुम नहीं बचोगे। इस तरह मुखिया भूतिया दूल्हे को वचन दे देता है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं और मुखिया अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से करवा देता है, जिसके बाद गांव वाले भी अपनी बेटियों की शादी खुशी खुशी से करने लगते हैं।